संते की बलिहारी निकाली जाई कोरी बलिहारी। हेलो 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 हेलो, ये आ गए हमारे बड़े भाई साहब जो कि राधेश्याम मिस्त्री भैया, श्रीमान जी राधेश्याम मिस्त्री भैया जो कि बुखारेपुर से आए हुए हैं। बड़े भाई साहब आपके दुख को देखते हुए, आपकी मुसीबत में बड़े भाई साहब शामिल हैं। ये बड़े भाई साहब 11 रुपये दे रहे हैं, पार्टी हमारी साहब को लाख लाख धन्यवाद देते भैया। कैसन गाज गया और दीन मलिन दुखी दिल को ये क्या क्या दिन दिखलाया। कहते ताज त्रिपला संत की बलिहारी भिखारी जाई कौनी ओरिया। भैया हो कहते हैं क्या है, गांव वाले बहुत मदद करें भैया। भगवान जो मेरी मदद किए हैं उनका भी भला करे, जो मेरी मदद नहीं किए हैं उनका भी भला करे। लेकिन भैया एक जान लिया क्या है, ये सब हमारे व्यवहार है तो गांव में इतना बड़ा व्यवहार रहा है, तब है धन भाई देखा हमारा एहसान जिन भूल। नहीं भैया तुम्हारा एहसान में मरते दम नहीं भूलूंगा। हाँ लेकिन एक बात और समझ लिया, तो कौन बात है, अगली बार तू कमाए के लौटा रहा तो हाँ चोर सारे ने पैसा ले लिए। हाँ भैया एक बार हम आइडिया बताओ पहले तो पैसा कैसे रख दिया, कैसे रखूंगा। जो ने पैसा पाए हा चार पांच पन्नी के अंदर कह ले। अच्छा ठीक है, एक खूब बढ़िया पुटकी बांध के चार पांच पन्नी के अंदर कह लिया। पैंट जब पहरिया, पैंट नहीं ना बाबू, पैंट नहीं बा, चलो कोई बात नहीं ना। ये जो लुंगी पहरे हा, लुंगी के नीचे जो तो कच्छा पहरे हा, कच्छा के नीचे जो अच्छा बा, अच्छा जगही मतलब चड्डी के नीचे बढ़िया जगह है जान लिया। हाँ जेबा जेबा वही जेबी में का रख ले। और सुना हमारे साथे चला तू, कहाँ हमारे साथे तू स्टेशन चला। अच्छा चला हम तो का रेलगाड़ी कटाई के और पटरी पे बैठा दे, आराम से बिट्टी किया बैठ के तू चला जा। दुनिया में जिए ना दुनिया है का भा? अगर तू रेल की पटरी बैठा दे बया, जब ट्रेन आए तो हम बचब की मर जाबे काट। हाँ ये काम गलत है का छोड़ा, फिर हमारे साथे चला तू बस अड्डा। अच्छा हमारे साथे चला बस अड्डा तो का हम बस कटाई के टिकट पे बैठा देते हैं। टिकट कटाई के बस पर बैठा दे कहो। हाँ ठीक है भैया, हमारे साथे चला बस अड्डा तो का टिकट कटाई के बस बैठा दे भाई। ठीक बा भैया, और आराम से तू अपनी बिट्टी खिया चला जाया। अच्छा भैया ठीक है, ठीक बा भैया तुहार भगवान भला करे। हाँ भैया और इन्हों भैया हर एक भगवान भला करे, जो गांव वाले हमारे तो हम मदद करे हैं। हाँ भैया, और दैजा देश के दुश्मन होते नहीं सुनवाई, दैजा
होते नहीं सुनवाई, जलाई बेटी बहुए जा रही। जीवन में ना खाई से आई है या नहीं? आई है। आवाज लगाओ, उसे बुलाओ कि पापा याद कर रहे हैं, कुछ काम है। ए बेटी बुढ़िया, हमने इतने लाड़ प्यार से उसका नाम गुड़िया रखा है और तू हराम खोर उसे बुढ़िया कह रहा है। गुड़िया देवी, गुड़िया 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 बेटी जल्दी आओ, बाबू बुलावत। हाँ खुश रहो बेटी, कहो हमारी बेटी गुड़िया कैसी है? मैं ठीक हूँ पापा, तुम कैसे हो? भगवान भोलेनाथ की कृपा है बेटा, कुशल मंगल से हैं। बड़ी अच्छी बात है पापा, लेकिन अचानक मुझे क्यों बुला लिए? जब तक मैं तुम्हें नयन भर कर देख नहीं लेता हूँ, हमारे दिल को चैन नहीं मिलता है। एक तुम ही तो हमारे जीने की सहारा हो, और तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई कलेश है, वो तो नालायक है। उसे जो कुछ कहो, आम कहो तो वो इमली बताता है, उसे वो तो जैसा तैसा है ही। अपने पढ़ाई लिखाई के बारे में सुनाओ बेटा, कैसी पढ़ाई लिखाई चल रही है? चलिए पापा, बोलिए, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो बेटा। अरे चरणे कमल में आपके बेटी का परिणाम
हाल में आपके बेटी का परिया अरे यही आसरा आप से कर दीजिए पढ़ाई की कई बात पढ़ाई की वो भी बताऊंगी। हाँ बेटा, हम तुम्हारी पढ़ाई लिखाई को लेकर ज्यादा परेशान रहते हैं, इसलिए कि बेटी पराया धन होती है, एक दिन तुम्हें दूसरे का घर बसाना है, अपना एक नया जीवन बसाना है, तो पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है बेटा। सुनिए पापा। बोलो बेटा। अरे पढ़ाई, हाँ बेटा, अरे पढ़ाई का अच्छा समाचार पापा। पढ़ाई का अच्छा समाचार पापा, अरे सही चले रही है परीक्षा ये पापा, 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 अभी चले रही है परीक्षा ये पापा। पापा, अगर आपका आशीर्वाद रहा ना तो आपकी बेटी इंटर में फर्स्ट आएगी और आपका नाम रोशन हरदम करेगी। मैं यही भगवान भोलेनाथ से मांगता हूँ, भगवान भोलेनाथ हमारी बेटी को अच्छे नंबर से पास करो, अच्छा नाम हो। और रही बात पैसे की, तुम्हारा बाप जिंदा है, जितना पैसा लगता है पढ़ाई में लगा दो बेटा। लेकिन पापा। बोलो बेटा। मैं तुमसे कुछ बताना चाहती हूँ लेकिन बताने से हिचकिचा रही हूँ। आखिर ऐसी क्या बात है बेटा? क्या बताऊँ पापा? अगर कोई साला रास्ते में आते जाते छेड़खानी करता है, जब से बात करता हूँ बताओ। बेटी तू रचो डराजिन, तो का अगर रास्ता में आवत जात के छेड़े तो का तुरंत बताऊ, अगर ना बताबू शर्माबू तो छेड़ी रहबू, तो छेड़ी दिखाबे करबू। साले छेड़ी बकरी बता रहा है, अगर किसी ने छेड़खानी किया होगा। हाँ तो जैसे क्यों छेड़े रहे तो छेड़ी इसने दिखाए। पापा ये हराम खोलना, जब देखो तब उल्टी सीधी बातें करता रहता है। जाने दो बेटी, मुहला का नौकर है, मुंह लगी लोमड़ी ताल बेताल गाती ही। पापा बोलो क्या बात है? क्या बताऊं पापा, जब से ना जब से भाभी घर में आई है तब से क्या बताऊं, जब मैं अपने कॉलेज जाती हूँ तो मेरी सखी सहेली यही कहती है कि अरे तेरी भाभी कितना दिन हो गया लेकिन अभी तक उसके एक बच्चा नहीं हुआ। पापा ये सब बातें सुनकर ना मैं परेशान रहती हूँ, मैं यही सोचती हूँ कि ये बोलती कब बंद होगी। घबराओ नहीं बेटा, अभी तुम्हारा बाप जिंदा है, हमें भी ये महसूस होता है। यहाँ जिस दरवाजे पर बैठता हूँ लोग बात कहते हैं जमींदार साहब आखिर आपके आंगन में कब खुशी आए, एक छोटा बच्चा होना चाहिए। बाबू साहब। बोलो भाई। तकलीफ तो हम बात जल्दी लड़किया हो आवा। अबे साले गाय बकरी हो गई है। नहीं मतलब भाई लड़कियाँ हो जाए, सब गांव देश वाले कहीं बाबू साहब की खुशी हो जाए। हाँ हम भी चाहता हूँ एक दिन हमारे दरवाजे पे भी खुशियाँ लिया मनाई जाए। खैर छोड़ो बेटी,
गुड़िया तुम्हें चिंता करने की बात नहीं है, आराम से पढ़ाई पे ध्यान दो। भगवान दे ये लड़कवा होए क्या करे होए तोहरे होए क्यों करे होए भौजी के होए। अब भाई देखा अब ही मान ले तू ही न अपने घरे जाबू शादी ब्याह हो तो का तुरंत लड़का हुआ लेबू। पापा ये देखो ना ये देखो ये देखो उल्टी सीधी बातें करता रहता है। क्या बात है? अरे ये कहत है अबे साल दू साल आवत जात होई के बा जब होए तो होबे करे। अरे साले साल दू साल हो गया। खैर छोड़ो बेटी टेंशन लेने की बात नहीं है, तुम चलो नाश्ता करो और मैं तुम्हारे भाई कमलेश को बुला रहा हूँ, उससे कुछ बातें करता हूँ, तुम्हारे मसले का हल मैं जरूर करूँगा। ठीक है पापा। हाँ तो तुम चलो नाश्ता पानी करो, अपना कॉलेज काम देख लो, जो कुछ भी है तुम्हें चिंता करने की बात है, तुम्हारा बाप जिंदा है। ठीक है पापा चलते हूँ। चलो नमस्ते पापा। नमस्ते। ए बिटिया जब जाए लागू ना वही अलमारी में दू पाकि पेलरे बा खा ले तो जाऊ। बोलने नहीं आता साला कह रहा है पेलरे। अरे नाला उसे पार्ले कहा जाता है। ये बताओ हम तो है का वही हम तो है बहन ये तो हम कब पेलरे खिया बता। मतलब नौना लेते रहे गड़बड़ाई। अरे जब नाम लेना नहीं आता क्यों लेता है? अरे बोलते हैं। हाँ अब बिट्टी लेबे तो ठीक से ले जा। का लेबे? नौ नौ। मोदीलाल मेरे बेटे कमलेश को बुलाओ। कमलेश का? हाँ वो कर रहा है देता है जिन बुलाऊते। अरे वो हमारा बेटा है, एक बात उसे भी देखना जरूरी है ना किस हाल में है वो। भैया कमलेश कमलेश बाबा बे मुत्ती लड़वा देखिया इतना प्यार से कहता है भैया कमलेश कहत बा कावा बे मुत्ती ललवा। आवा सारे पगलू जल्दी आओ जल्दी आओ बाबू बुलावा तो हो आवा ताई बे आवा सारे। सुन पगली रे पागल कहे गली रे पागल कहे लाजमाना ए खा बे बैठ खाइन जाता बैठ बैठ या बे दस दिन से भूखा ना खाए जे ई बड़वारे घरे के लड़के आई खाना नहीं पावत। ए ले पंजीरिया फाक ले तो एक तो फाक तो फाक ले चीनी ढेर ले फाक सारे ता नहीं फाका इसे फुफा तनी के अपने बाबू को फुकवा दे। अपने बाबू का फुफा कहता है फुफा। हाँ हाँ फुफा तोरे बाबू तो हाँ फुफा है ही नहीं बाबू साहब। हेल्दी बाना हेल्दी बाना दिल चढ़ना से मानी ना मांगे सोना चांदी हम मांगे मेहरारू।
मेहरारू बिना परेशान रहा ले कटवा मिला दी तो खात और मजा आए। पागल ये तुम्हारा भाई विशाल है इसके साथ रहते थे पागल हो गया है। अरे भाई वह हमारे नहीं आधा पागल हम आई और ऐसे रहता आप पगला जी। हाँ। सारे पागल हमने कहा अपने बाबू खवा दे तनिक खवा दे बाबू का अरे कतर कतर कौवा बोले कतारी सुपारी चोला हाथ माई तोहार महतारी कतर कतर कौवा बोले कतारी सुपारी चोला हाथ बिटिया तोहार सही कहा भैया मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ ये भी साला भी रहा गाता नालायक कहेगा एकर माई जरूर जो लहा के रही है महूक लागता है सच्ची कहते हैं हम कसम से कसम से कसम से कसम से बताओ जरूर मेरी माता जी ने गंगा जी में जो बोया था गंगा में नहीं जो बोए रही उनका लागत कतौ ही गढ़ही वढ़ही में बो चले पे नमक कमलेश मेरी बात सुनो बेटा मोतीलाल के बोल बे आबल्या ये टच वाला मोबाइल लेबा रुक जा बे रुक जा के बोलते बच्चारी दुई पौवा दारू दे रहे चारे पैसा मांगता है हम कही के बोलत है तो हम माई बोलत है हमका लागत है। मोतीलाल ये जो तुम इसको इस टच वाली मोबाइल दिए हो साले ना लायक मैंने कहा था इसका पोजीशन कम से कम सही रखो ये जमींदार का बेटा है जिस गांव में जाए कि कुत्ते साले नोचे भा देंगे हम कहा था पोजीशन एक ही सवाचे में हम तनिको कमी ना करें अब काल देखा नहवाए धोवाए पैंट पहराए साला उतार के चड्ढी खोल के पहरे जाए अरे सूट सलवार राजा अरे सूट सलवार राजा साड़ी चुभेला कमरिया में कसी मजा ए अरे गाउने कई साड़ी उतारी धारी मोरी अरे अब हम गवनवा का जा तू बुजरो भी रही गावत यह कतर कतर कौआ बोले कतरी सुपारी राम जी के बगिया जन्म फुलवारी छैया राम छैया राम कपड़ा धोवै खुली दुकान धोबई जैसे कलम चलत लाला कै वैसे कमर लाइन कै माटी खोदाई माटी सानाई बड़ा बड़ा जूता पोहाई तो ये भी साला बिरहा में शामिल हो गया वो तो पागल है ही ये भी साला पागल हो गया इधर आ मोतीलाल अगर इसे समझ में नहीं आएगी तो मैं तुम्हारी खाल उधेड़ते रहूंगा ए पगला भैया भैया पगला भैया तय मरवावा ता हमहू का तय मरवावा ते हमहू का सुन सुन एक बात काम कर एक बात काम कर
जवन हम कही वो का सुन, जवन हम कही वो का सुन, तो कही कही बाबू तोहार तो से कुछ बात करवाइया, बाबू तोहार तो से कुछ बात करवाइया। हमार बाबू अभी पगलू मार जाबे, अभी पगलू मार जाबे। अरे यार सुना तोहरे फायदे के बड़ी बात, तोहरे फायदे के बड़ी बात का है, का है तोहरे फायदे के बड़ी बात एक आ यार का खियाबे तक तो का। हाँ अगर बात हमार मन बे जमन कहबे तो उन खियाओ। हम एक किलो टट्टी खाबे, एक काम कर पहले हमका तो अपन आधार कार्ड दे। का होत बे आधार कार्ड दे ले चली प्रधान खिया जमा करी, जो आए तो खाए ले। और एक चीज खाबे, वो लैया पट्टी की बात कर रहा है। अच्छा हम कहे साला टट्टी ए बे एक चीज और खा काओ चीलो लीलो। इसार पागल ना नहीं पगले के बाप है, पगले के बाप ना वही चीलो लीलो भैया जान थकावा जोने का केला कहा थी ओका छीला गट्ट से लीला खवाओ खाओ बे। हाँ और एक चीज खाओ खाओ कम चौड़ी, सारे तो कम ज्यादा चौड़ी खवाओ सारे पगले के मुहे लागा बेकार है तो का सब कुछ खवाओ लेकिन जवन बाबू कहाँ वो का मन बेताओ मानब बे बाबू मिला बाबू कहाँ है बे मिला ही मिलाओ बेटा गणेश बाबू बे नमस्ते। खड़े हो जाओ दारा सिंह के साथ, खड़े हो जाओ, खड़ा हो जा भगवती, खड़ा हो जा, खड़े हो जाओ बेटा भगवती शरदा लाई ले उठा उठा बेटा कमलेश खड़े हो जाओ खड़ा खड़ा साला पागल। ए बे ई हमार बढ़नी भय आप पे झाड़ू बेटा कमलेश। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ और मेरी बात को ध्यान से सुनो। कहा बाबू बे? बाबू बे नहीं बाबू जी कहा करते हैं, नालायक मैं तुम्हारा बाप हूँ। मेरी बात सुनो, और त्योहार होली का त्योहार होली का नजदीक देखो कर रहा हूं। और रुपया गाड़ी नहीं सीताराम वाले कल्पना की बात कर रहा हूं। जला दो होली के चिनगारी में उसको बेटा और दूसरी शादी करो मेरे लाल, और दूसरी शादी करो मिले दोबारा।